अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप किन वेबसाइट से डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जेन्युइन वेबसाइट हैं जहां से आप डेटा एंट्री का काम करेंगे और आपको वहां से काम मिल सकता है और काम करने के बाद आपको पैसे भी मिल सकते हैं। बाकी आपको जो फेसबुक वगैरह पर जो आपको बता रहे होते हैं मुझे इतने पैसे देते हैं, आपको डेटा एंट्री का काम दे देंगे, इस तरीके से लोग स्कैम करते हैं, आपके साथ स्कैम करते हैं, आपको कोई उसमें पैसा नहीं मिलेगा, कोई आपको पैसा नहीं देंगे। जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, इस वेबसाइट में आप डेटा एंट्री की सर्विस देकर काम कर सकते हैं। डेटा एंट्री की सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटा एंट्री की एक सर्विस होती है वेब रिसर्च, डेटा एंट्री की एक सर्विस जो होती है प्रोडक्ट लिसनिंग का काम होता है, डेटा एंट्री की एक सर्विस होती है जैसे लीड जनरेशन, डेटा एंट्री का जैसे एक और काम होता है प्रोडक्ट लिसनिंग का, डेटा एंट्री का जैसे काम होता है पीडीएफ टू इमेज कन्वर्ट, इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, इमेज को वर्ड में कन्वर्ट करना, इमेज को एक्सेल में कन्वर्ट करना, ये एक्सेल से पीडीएफ में कन्वर्ट करना, इस तरीके से काम होते हैं, कन्वर्जन का काम भी होता है। ये सर्विस बहुत ज़्यादा जो है डेटा एंट्री में होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। बाहर के क्लाइंट्स का जो काम होता है तो वो इस तरीके से, उनके पास असल में टाइम होता नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो काम करने, इसलिए वो एज अ फ्रीलांसर हायर करते हैं, उनको देते हैं पैसे, फिर वो उसमें उनको काम करके देते हैं। देखें डेटा एंट्री में जो होता है, डेटा एंट्री की जो वेबसाइट है जिसमें आपको काम करके अर्निंग कर सकते हैं, एक है फाइवर, fiverr.com पे भी अपना अकाउंट क्रिएट करना, मैंने आपको बताया, उसमें आपके अपना अकाउंट बना के डेटा एंट्री की सर्विस दे सकते हैं। आप जो अपवर्क में भी काम बहुत है, अपवर्क भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, इसमें भी आप डेटा एंट्री का काम करके अर्निंग कर सकते हैं। प्यूपर पर अवर भी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, इसमें भी आप डेटा एंट्री की सर्विस दे सकते हैं। guru.com है, ये भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, इसमें भी आप डेटा एंट्री की सर्विस दे सकते हैं। freelancer.com भी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, इसमें भी आप डेटा एंट्री की सर्विस दे सकते हैं। और जब भी आप इसमें अकाउंट बनाएंगे, इन वेबसाइट में अकाउंट बनाएंगे, अपनी सर्विस देंगे डेटा एंट्री की या जो भी सर्विस आप देना चाहते हैं, मगर आज का टॉपिक डेटा एंट्री का, तो डेटा एंट्री का अगर आप सर्विस देंगे तो डेटा एंट्री की सर्विस आप इसमें देंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें ये होता है कि इसमें ये होता है कि जब आप काम कर लेते, जैसे आपने $100 का काम किया किसी भी वेबसाइट में, फाइवर में या अपवर्क में या freelancer.com में, गुरु में या peopleforward.com, इन वेबसाइट में अगर आपने $100 का काम किया तो आपके $100 आपके इस अकाउंट में आ जाएंगे। इस अकाउंट से आपको पेनियर का अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। फ्रीलांसर जो यूज़ करते हैं वो पेनियर का अकाउंट होता है, पेनियर का अकाउंट हम यूज़ कर रहे हो तो उसमें हमारे पास पैसे आते हैं। जैसे आप फाइवर पर अपना अकाउंट बनाएंगे, पैसे आपके फाइवर में आ जाएंगे, फाइवर से आपको पेनियर का अकाउंट अपना बनाना पड़ेगा, पेनियर का अकाउंट आप बनाएंगे तो फाइवर से आपका पैसा पेनियर के अकाउंट में आ जाएगा। इस तरीके से सारी अपवर्क में भी हो, तो अपवर्क में जब आप काम कर रहे होते तो अपवर्क में भी आपको पैसे मिल जाते हैं, अपवर्क में भी पैसे आ जाते हैं आपके, जो आप काम कंप्लीट करके देते हैं क्लाइंट्स का। जैसे $100 का उसमें भी आपने काम किया तो उसमें भी आपको पेनियर का एक अकाउंट बनाना पड़ता है, वो अटैच करना पड़ता है, फिर वो अटैच करने के बाद फिर वो आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, आपका पेनियर में आपके पैसे आ गए, फिर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। इस तरीके से होता है। आप ये भी हो सकता है कि आप पेनियर में पैसे ले आएँ, पेनियर से आप अपने जैस कैश के जरिए अपने पैसा निकलवा दें। मैं ऐसे ही निकलवाता हूँ जैस कैश में अपना पैसा, बैंक में कम निकलवाता हूँ, ज़्यादा जो पेनियर में अपना पैसा लेता हूँ, पेनियर से डायरेक्ट जैस कैश में मैं अपना पैसा लेता हूँ। तो ये जो अपवर्क में भी हो सकता है, आप जो है प्यूपर पर अवर में भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, पेनियर का अकाउंट उसमें बना अकाउंट बना हुआ होगा आपका, वो एक अकाउंट आप उसमें डाल देंगे पेनियर में भी, तो वो पैसे आपके पेनियर में अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरीके से freelancer.com में या guru.com में भी अपना अकाउंट बनाएंगे, अपना सर्विस देंगे डेटा एंट्री की, जैसे ही आपका काम डेटा एंट्री का ख़त्म हो जाएगा तो क्लाइंट आपको पैसे दे देगा, और पैसे देने के बाद आपको जो पेनियर के अकाउंट में आपके पैसे आ जाएंगे, पेनियर के अकाउंट में आपके पास पैसे आ गए, उसके बाद जो है आप अपना पैसे वो बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं, वही पैसा आप जो अपनी जेएस कैश के जरिए भी ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट आपसे शेयर करूंगा जिसमें डेटा एंट्री का काम किस तरीके से आप करके अर्निंग कर सकते हैं। आइए लैपटॉप की स्क्रीन में फाइवर की वेबसाइट में लेके आ गए हूं। अब आपको दिखाऊंगा डेटा एंट्री पोस्ट कैसे होती है, जॉब किस तरीके से लोग सर्विस दे रहे हैं डेटा एंट्री का, तो बिल्कुल जो है यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं और आपको पैसे भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखें आप डेटा एंट्री की सारी सर्विस देखिए, पहले सारी डेटा एंट्री का मैंने सारी जितनी मुझे डेटा एंट्री की सर्विस दे रहे हैं वो आ गए, लेकिन खूबसूरत सॉफ्टवेयर जो बनी हुई है डिज़ाइन लोगों ने अपने शो किए हैं यहाँ पे जो सर्विस दे रहे हैं ये ठीक होती है। जैसे कोई आप शॉप पे अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी खोली होते हैं शॉप, आप कोई सर्विस दे रहे होते हैं तो डिस्प्ले पे अच्छा सा कोई चीज़ें डाल रहे होते हैं, अच्छी चीज़ें आप वहाँ रख रहे होते हैं, डिस्प्ले पे इस तरीके से सर्विस दे रहे होते हैं डेटा एंट्री की, यहाँ पर ये अच्छी अच्छी बना के एक सर्विस दे रहे हैं ताकि लोगों को पता चले डेटा एंट्री के हवाले से ये सर्विस होती है। पहली मैंने खोला ये एक्सेल की सर्विस दे रहे हैं, ऊपर ये टाइटल है ये डेटा एंट्री की सर्विस दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं डेटा एंट्री की सर्विस दे रहा हूँ और मैं उसमें क्या क्या दे रहा हूँ, इंटरनेट रिसर्च वगैरह, डेटा एंट्री एक्सेल वगैरह, पीडीएफ वगैरह, कन्वर्ट कॉपी प्रेस का काम है, बिजनेस कार्ड वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, ये सब डिस्क्रिप्शन वगैरह है, पैकेजेस वगैरह यहाँ पर, ये सारी सर्विस दे रहे हैं डेटा एंट्री की।
अब देखें ये सारी सर्विस डेटा एंट्री की दे रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं आपके लिए डेटा एंट्री के लिए, कॉपी पेस्ट टाइपिंग वगैरह का वर्क की सर्विस दे रहे हैं आप, ये सारे ऑनलाइन डेटा एंट्री वेब रिसर्च कॉपी पेस्ट स्कैनिंग डेटा एंट्री सारी सर्विस दे रहे हैं आपको बताया था मैंने, पीडीएफ कमीशन की सर्विस भी होती है, सारी डेटा एंट्री की सर्विस दे रहे हैं अब ये सर। ये वाली देखिए अच्छी सी उन्होंने बनाई हुई है, ये भी डेटा एंट्री की सर्विस दे रहे हैं, ये एक्सेल पे डेटा एंट्री की सर्विस दे रहे हैं, ये देखिए डेटा एंट्री की सर्विस दे रहे हैं, एनी टाइप डेटा एंट्री की सर्विस दे रहे हैं, से डेटा करेक्ट करके देंगे, पीडीएफ कन्वर्जन करके देंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह वर्ड वगैरह का भी हमें सॉफ्ट वगैरह का काम करके देंगे, सोशल मीडिया से रिसर्च करके आपको दे देंगे, ये देखिए ये सर्विस डेटा एंट्री की सर्विस प्रोवाइड करें। ये हो गई फाइवर, अब मैं आपको एक और वेबसाइट पे जाके दिखा दूँ कि देखिए डेटा एंट्री यहाँ पे जो आप क्लिक बना के सर्विस दे रहे होते ना, मगर यहाँ पे जॉब पोस्टेड हो रही है, ये मैंने खोली जैसी भी, ये जैसी मैंने वेबसाइट खोली अपनी, ये देखें आप सारे आप जॉब पोस्ट हो रही है, upper.com की वेबसाइट है, बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है, बहुत हाई पेड वेबसाइट है, अगर इस पर बंदा काम करता है तो बहुत ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल उसमें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं डेटा एंट्री दिखता हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा डेटा एंट्री की सर्विस, यहाँ पे जॉब सर्विस है, यहाँ पे देखें जॉब पोस्ट हो रही है, यहाँ पे आप अपनी एक सर्विस दे रहे होते हैं डेटा एंट्री की, यहाँ पे जॉब पोस्ट होती है, यहाँ पे जाके आपको प्रपोजल सेंड करना होता है, ये देखिए ये डेटा एंट्री की जॉब पोस्ट है, डेटा एंट्री मैनिपुलेशन ऑटोमेटिक के वजह से ये डेटा एंट्री की पोस्ट है, डेटा एंट्री माइक्रोसॉफ्ट के वजह से वर्ड वगैरह का जो है सॉफ्ट वगैरह का काम होगा इसमें, अपार्टमेंट डेटा एंट्री के वजह से मार्केटिंग के वजह से मार्केटिंग का काम इसमें डेटा एंट्री सर्विस देखिए सर, ये क्लिक करेंगे आप इस पर सारी इसकी डिटेल आ जाएगी, क्या क्या सर्विस इनको चाहिए डेटा एंट्री के वजह से, सर डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जाके अपने सबमिट प्रपोजल पे आप लिख सकते हैं, अपने प्रपोजल के मैं ये काम करके लिख सकता हूँ, इस तरीके से मैं आपको एक दो आपको दिखाता हूँ डेटा एंट्री, सिंपल टाइपिंग की डेटा एंट्री की जॉब है, टाइपिंग और डॉक्यूमेंट की टाइपिंग वगैरह से हवाले से जॉब है, ये भी डेटा एंट्री की जॉब है, ये upper.com पर भी डेटा एंट्री की सर्विस जॉब पोस्ट होती है, आप यहाँ पे जाके अपना वेट कर सकते हैं, और ये देखें ये भी जगह ये भी जॉब जो डेटा एंट्री की पोस्ट हो रही है, इनको लीड जनरेशन का मैंने आपको बताया, लीड जनरेशन का काम भी बहुत है, लीड जनरेशन चाहिए इनको, फूड के लीड जनरेशन इनको चाहिए, ईमेल वगैरह इनको चाहिए लिंक्डइन से, ये देखें ये आप देखें पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कितना काम है डेटा एंट्री के हवाले से, इनको 25 कनेक्ट चाहिए, फूड मैन्युफैक्चरिंग की इनकी जो कंपनीज का डेटा इनको चाहिए, पढ़ सकते हैं लिंक्डइन का वेबसाइट का डेटा वगैरह, ये भैया आपने सारा लिंक दे दिया कि जो इनको वेबसाइट चाहिए उस वेबसाइट से डेटा निकाल के आप इनको दे सकते हैं, लिंक्डइन वगैरह से सारी डेटा एंट्री के वजह से सर्विस, ये upwork.com है सबसे हाई पेड और टॉप वेबसाइट है, फाइवर है, फाइवर तो फ्री होती है, ये फ्री नहीं होती तो पेड होती है, आप आपको जो भेज रहे आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, ये देखिए पीपर पर आवाज मैंने खोल दी लिखा हुआ पीपर पर आवाज, जैसे गए यहाँ पर सर्च पे गया, सर्च पे जाने के बाद सर्च प्रोजेक्ट पे गया, जैसे सर्च प्रोजेक्ट पे मैं गया तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा डेटा एंट्री, यहाँ पे आके मैंने अगर डेटा एंट्री लिखा जितनी भी जॉब डेटा एंट्री का पोस्ट होंगी यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ से आगे सेंड प्रपोजल कर सकते हैं, ये लिखा हुआ ऑप्शन सेंड प्रपोजल डेटा एंट्री एंट्री डेटा एंट्री देखिए डेटा एंट्री के वजह से जॉब है, ये कर सकते हैं आप जो भी डेटा एंट्री के वजह से कर सकते हैं जॉब कर लें, पहले आप उसको प्रपोजल को पढ़ते हैं फिर आप उसको बिट करते हैं, ये देखिए ये डेटा एंट्री आप लोग प्रोडक्ट के वजह से होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के वजह से भी काम है ना, आपको बताया था प्रोडक्ट लिस्टिंग के वजह से भी बहुत ज़्यादा काम है इसमें, देखिए इनको डेटा एंट्री करवानी है, प्रोडक्ट अपलोड करवानी है किसी वेबसाइट पर, देखिए प्रोडक्ट लिस्टिंग के वजह से डेटा एंट्री का काम है, यहाँ पर देखिए डेटा कलेक्शन के वजह से देखिए जॉब पोस्ट हो रही है, डेटा कलेक्शन करके कलेक्ट करके आप दे सकते हैं, देखिए सारी आप जॉब पोस्ट कर पूरी कंप्लीट कर सकते हैं आपको, देखिए क्या क्या चाहिए, देखिए डेटा एंट्री के हवाले से इनको एक्सेल में आपको लिंक्डइन का डेटा चाहिए, उन्हें डायरेक्टर का नेम फर्स्ट टाइम ईमेल फोन नंबर वेबसाइट वगैरह लिंक्डइन वगैरह सारा आपको लिंक्डइन में कंप्लीट मिल जाता है, ये इनको चाहिए लिंक्डइन एड्रेस वगैरह चाहिए, देखिए ये peopleforhour.com peopleforhour के बाद मैं आपको guru.com पर दिखा दूँ, guru.com पर आप आए, ये guru.com मैंने पहले से ओपन करी हुई है, यहाँ पे आके सर्च बार पे आपने लिखा डेटा एंट्री, जैसे आपने डेटा एंट्री लिखा डेटा एंट्री के हवाले से जितनी भी जॉब पोस्ट हुई आगे देखिए, पहले आप देखें पहले नंबर पे डेटा एंट्री की जॉब आ रही है, एक्सपोर्ट डेटा एंड अपलोड एक्सेल, डेटा एक्सपोर्ट करना है अपलोड करना है, ये आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं, अगर आपको आती है इसके लिए आप अच्छी समझ कर सकते हैं, आप जॉब करके दे सकते हैं,
ये डेटा एंट्री के हमारे जॉब को स्टोरी आया, मतलब जो डेटा एंट्री का कम्प्लीट डेटा आप कर सकते हैं इसमें जो आप, अगर आपको लगता है कि मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ, अच्छा काम कर देते हो, आप जॉब कोर्स कर पढ़ के आप इसमें प्रपोजल भेज के हम कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रपोजल भेजने का सिस्टम है जैसे कि एक्सेल क्लीनिंग डेटा एंट्री है, क्लीनिंग डेटा एंट्री के आवाज कितनी जॉब को स्टोरी डेटा एंट्री का सारी डेटा एंट्री के आवाज जॉब उसमें है, एक और जॉब में आपको बोल के निकाल दूँ सारी डेटा जितनी जॉब डेटा एंट्री का सारी इसमें निकालो, टेस्टिंग ब्लॉग उनको कोई ब्लॉग में उनको लेटेस्ट ब्लॉग कॉपी पेस्ट कोई अपनी वर्डप्रेस की ब्लॉग में उनको कॉपी पेस्ट करना है डेटा सवाल से जॉब होगी लेकिन पढ़ रहे हैं आपको इसलिए देखिए यहाँ भी डेटा एंट्री की जॉब पोस्ट हो रही है। अब देखिए मैं एक और आपका freelancer.com भी खोलता हूँ, freelancer.com भी ये भी डेटा एंट्री की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जैसे ही आए प्रोजेक्ट पे आप आए प्रोजेक्ट पे आके यहाँ आपने डेटा एंट्री लिखा, जैसे आप डेटा एंट्री लेके एंट्री किया और जितनी भी डेटा एंट्री के वजह से जॉब पोस्ट हुई वो आ गई, आप ट्रेनिंग के वजह से जॉब पोस्ट हुई आ गई किए जिसने प्रोडक्ट लिस्टिंग की वजह से मैंने आपको बताया था कि इसकी बहुत ज़्यादा जॉब होती है ई कॉमर्स वगैरह के लिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है एक्सेल में होती है और पूरा वो डेटा एक्सेल में मेंटेन होता है, मेंटेन होता है तैयार होता है उसके बाद वो आपको अपलोड करना होता है ई कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह ई कॉमर्स की वेबसाइट में किस तरीके से अपलोड हुआ डेटा सही डेटा एंट्री की जॉब बिल्कुल देनी है अच्छी जॉब देखे दुबई से यूनाइटेड अरब की कोई वेबसाइट पर काम ही नहीं, ये भी डेटा एंट्री के वजह से जॉब को फ्री है, ये आप देखें सारी डेटा एंट्री के वजह से जॉब को फ्री है। ये देखें ये भी है ये भी डेटा एंट्री के वजह से सारी डेटा एंट्री के वजह से सारी डेटा एंट्री का जॉब उसके वजह से सारी जॉब है। PDF करना है आपको पता ना कन्वर्जन का काम भी बहुत PDF से एक्सेल एक्सेल टू PDF इस तरह का काम भी बहुत है, लेकिन ये भी जॉब पोस्ट हुई है इसके मैंने कैसे क्लिक किया देखिए जॉब खुल जाएगी इसको यू वांट टू PDF इनको PDF एक्सेल 100 डेटा इनको एक्सेल में आपको जो कन्वर्ट करवाना है ये भी सारा डेटा इंडिया की जॉब है और ये यही जॉब है रिव्यूज वगैरह लगेंगे यहाँ पे आगे अपने पॉपुलर हो सकते हैं ये भी डेटा एंट्री की आवाज़ जॉब है। ठीक है आपने 5 वेबसाइट आपको बताई जिसमें डेटा एंट्री का जेन्युइन काम है और आपको काम करके पेमेंट बहुत आसानी से इसमें मिल जाती है अगर आप काम करके दे दीजिए सारी डेटा एंट्री की वजह से जॉब पोस्ट मैंने 5 वेबसाइट आपको बताई, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं यूट्यूब की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।